फिर बैठ गए सरगी खाने के लिए। मैं तो समझाते समझाते थक गई हूँ। हाँ जी। कि ये करवा चौथ का व्रत औरतों का व्रत है और आप है कि सुनिए 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 मेरी बात सुनिए, आप औरतें ये व्रत रखती क्यों हैं? अपने पति को 7 जन्मों तक पाने के लिए। अच्छा, और हम ये व्रत इसलिए रखते हैं कि हमें आप हर जन्म में मिलती रहे। मालूम है। ये लीजिए मोटा भाई, अदरक की चाय। अरे नहीं शांति बहन, आज मेरा व्रत है, चांद देखने के बाद ही मैं कुछ पीऊंगा खाऊंगा। अरे आज तो मेरा भी व्रत है, करवा चौथ का। हाँ मेरा भी। आपका? हाँ। आप भी मोटा भाई? भाभी के लिए? हेमंत। संजू भूख के मारे जान निकल रही है मेरी। ए, जान मत निकालो मेरी जान, चलो खाना खाते। कम राहुल। पर तुमने तो कहा था बाहर जाएंगे, मैंने कुछ नहीं बनाया। नाराज मत हो, बाहर चलते हैं ना। राहुल गेट रेडी, वी गोइंग आउट फॉर डिनर। पर दादू क्या खाएंगे? 9 बजे के बाद जब भी पापा जी आते हैं कैफे में खाकर ही आते हैं, सो गेट रेडी। ओके लेट्स गो, कम ऑन। मोटा भाई चांद निकल आया है, मैंने पूजा कर ली है, आप भी देख लीजिए फिर खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं शांति बहन, वो पूजा घर पे फोन ट्राई कर रही होगी, पहले उससे बात हो जाए, खाना बाद में। हेलो 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 पूजा। पहरी पूना जी, हम दोनों का सुहाग हमेशा बना रहे। चांद देखा? हाँ देखा। आपने पानी पिया? ऐसे क्या देख रहे हैं? अरे आप चांद देखिए, हम अपने चांद को देख रहे हैं। और जरा जल्दी कीजिए, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, बिना चांद देखे हम कैसे पानी पी सकते हैं? अब की बरस तो हमें हमारा चांद दिखाई नहीं। अब बातें करते रहेंगे क्या? हाँ समझ लीजिए ना, मैं आपके सामने हूं, चलिए पानी पी लीजिए। ठीक है होल्ड करना। पी लिया पानी। लो मैंने भी पी लिया, चलिए अब कुछ खा लीजिए। ओके ठहरो। कितना सारा खाना बना है, थाली भर के खाना बना हुआ है। क्या क्या बनाया है आपकी बहू ने? ये देखो भाई इधर क्या है, ये है आलू, ये गोभी, ये मटर पनीर, ये भिंडी और ये दही का रायता, मोतीचूर के लड्डू, गर्मा गर्म जलेबी, पूड़ी भी है। और ये मैं पूड़ी तोड़ के बस एक निवाला अपने मुंह में डालने वाला हूं। क्या बढ़िया बढ़िया खाना बना है। आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। तुम नहीं सुन रखी, नहीं सुन रखी।